सो गाइज, ऑटो एक्सपो स्टार्ट होने वाला है 3 साल बाद फिर से। ये 13 जनवरी से 18 जनवरी तक कंडक्ट होगा। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं ऑटो एक्सपो में कौन कौन से ब्रांड पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मारुति सुजुकी, उसके बाद टोयोटा, टाटा मोटर्स, ह्युंडई, किया, MG, लेक्सस एंड चाइनीज कार मेकर BYD भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सबसे पहले बात मारुति सुजुकी की करते हैं। सुजुकी अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट, जिसका कोड नेम है YY8, को शोकेस कर सकती है। ये SUV 2025 तक मार्केट में अवेलेबल हो सकती है एंड मारुति एंड टोयोटा मिलके इसको डेवलप करेंगे। सेकंड कार है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड ऑफ रोड SUV जिम्नी, जो की 5-door वेरियंट में कंपनी अनवील कर सकती है। ये गाड़ी काफी बार स्पाई शॉट्स में इंडिया में टेस्टिंग के लिए देखने को मिली है। नेक्स्ट कार है बलेनो बेस्ड क्रॉस SUV। ये गाड़ी अप्रैल मई तक मार्केट में आ सकती है एंड नेक्सा शोरूम में ये एंट्री लेवल SUV रहेगी। हमने इसको भी काफी बार इंडिया में टेस्टिंग के लिए देखा है एंड कंपनी इसके साथ ही अपना 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी वापस ला सकती है। इसके साथ ही काफी और कुछ भी हमें मारुति की तरफ से देखने को मिल सकता है, सो बी रेडी। नेक्स्ट ब्रांड है ह्युंडई एंड ह्युंडई की सबसे पहली कार है उनकी शो स्टॉपर IONIQ 5। ये गाड़ी एक्सपो में ही लॉन्च हो सकती है एंड लोकल असेंबल्ड होने की वजह से ये अपनी बहन किया EV6 से चीपर प्राइस में आएगी। आपको इसका डिजाइन कैसा लगा देखने में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ह्युंडई की सेकंड गाड़ी है रिसेंटली वर्ल्ड वाइड अनवील होने वाली IONIQ 6 सेडान। ये खूबसूरत सेडान आपको इंडियन रोड्स पे जल्द ही देखने को मिल सकती है। वैसे इसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पोर्शा के डिजाइन से सिमिलर लगा। थर्ड कार होगी ह्युंडई की तरफ से नेक्सो। ये गाड़ी कंपनी ने पहले भी 2 बार एक्सपो में शो की हुई है एंड ये हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड कार है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ आती है एंड 161 हॉर्स पावर और 395 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये भी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट कार है ह्युंडई की तरफ से AI3 कॉन्सेप्ट। हालांकि कंपनी ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि कंपनी इसको शो कर दे। ये गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV में टाटा पंच और सिट्रोन C3 से कॉम्पीट करेगी। नेक्स्ट ब्रांड है टोयोटा एंड टोयोटा की अगर बात करें तो इनकी इनोवा हाईक्रॉस इनकी शो स्टॉपर रहेगी। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इंडिया में और इसकी डिटेल वीडियो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या इसमें खास है। सेकंड जो कार है वो है LC 300, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सेलिंग SUV इन द वर्ल्ड। हालांकि लैंड क्रूजर अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट कंपनी अपनी फ्लैगशिप SUV को शो करके विजिटर्स की अटेंशन जरूर ग्रैब करना चाहेगी। नेक्स्ट है कार एंथुजियास्ट के लिए GR कोरोला हैचबैक। इसका इंडिया में लॉन्च होना काफी मुश्किल है, बट टोयोटा इसको शो कर सकती है। इंजन की बात की जाए तो 304 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है ये गाड़ी, और आपको ये कैसी लगी मुझे जरूर बताओ। इसके साथ साथ टोयोटा के पास काफी और कुछ भी है शो करने के लिए, जैसे कि उसकी हाइड्रोजन पावर्ड कार एंड इवन हाईराइडर का CNG वर्जन। तो देखते हैं टोयोटा और क्या क्या शो करता है ऑटो एक्सपो में। नेक्स्ट ब्रांड की बात की जाए तो MG के पास काफी कुछ है शो करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सिटी EV कॉन्सेप्ट की। ये क्यूट सी छोटी दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार काफी लोगों को पसंद आ सकती है। ये गाड़ी इंडोनेशिया मार्केट में सेल होने वाली व्यूलिंग एयर EV पे बेस्ड होगी। अब देखते हैं ये इंडिया में कब आती है और किस प्राइस पे आती है। सेकेंड कार है MG4 इलेक्ट्रिक हैचबैक। इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही सेल पे है, बट इंडिया में ये अभी तक नहीं आ सकी। ये 4.2 मीटर लंबी हैचबैक ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर रेंज के साथ आती है। नेक्स्ट है MG की मोस्ट अवेटेड न्यू हेक्टर एंड हेक्टर प्लस। कंपनी एक्सपो में इसकी प्राइस भी अनवील कर सकती है। न्यू अपडेट में आपको न्यू फ्रंट ग्रिल के साथ साथ काफी कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें अब आपको 14 इंच की मैसिव टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। कंपनी दोनों SUVs में ADAS टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। इंजन की बात करें तो इंजन अभी की तरह सेम रहेंगे, यानी इंजन में कोई अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट कार्स हैं MG5 एस्टेट एंड MG सेडान। हालांकि ये दोनों गाड़ी सिर्फ शोकेस के लिए ही होगी एंड इंडिया मार्केट में आने के चांसेस काफी कम है। MG5 एस्टेट काफी प्रैक्टिकल कार मानी जाती है, क्योंकि साइज में बड़ी होने के बाद भी ये 5-सीटर ही है, तो इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। MG6 सेडान एक प्रीमियम सेडान है एंड ये गाड़ी ZS EV के प्रीवियस वेरिएंट से अपना एक्सटीरियर एंड इंटीरियर शेयर करती है। नेक्स्ट ब्रांड है किया एंड किया की अगर बात की जाए तो किया इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली कार्निवल को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। इंडिया में काफ़ी टाइम से इसका वेट हो रहा है एंड ये गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट में तभी आ गई थी जब किया ने इंडिया में अभी वाला कार्निवल लॉन्च किया था।
इसके साथ ही कंपनी अपनी कॉन्सेप्ट कार ईवी 9 को भी शोकेस कर सकती है। कंपनी ने इसको नवंबर 2022 में एलए मोटर शो में अनवील किया था एंड अब ये ऑटो एक्सपो में भी देखने को मिलेगी। इसमें कंपनी मैसिव 22 इंचेस के अलॉय व्हील प्रोवाइड करेगी। इंडिया में इसके लॉन्च होने की अभी उम्मीद मत रखना। नेक्स्ट कार किया की तरफ से है फोर्थ जनरेशन सोरेंटो। ये गाड़ी फुल साइज एसयूवी में आती है एंड कंपनी इसमें काफी फ्यूल ऑप्शंस देती है जैसे कि डीजल, प्लग इन हाइब्रिड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इसका लेटेस्ट वेरिएंट कंपनी ने 2020 में जेनेवा मोटर शो में लॉन्च किया था। इंडिया में इसके आने की उम्मीदें भी काफी कम है। नेक्स्ट अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा पंच का ईवी वेरिएंट एक्सपो में शो कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पंच का सीएनजी वेरिएंट भी देख सकते हैं। बाकी सब चीजें आपको इस गाड़ी के बारे में पता ही है। लास्ट ईयर टाटा ने दो कॉन्सेप्ट कार्स अविन्या एंड कर्व को शोकेस किया था। अब कंपनी ऑटो एक्सपो में इन दोनों को फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने शो कर सकती है। ये दोनों ही गाड़ियां 2024 में सेल पे जाने के लिए एक्सपेक्टेड हैं। वैसे इन दोनों गाड़ियों को देख के लगता है कि टेस्ला को काफ़ी तगड़ी टक्कर देने वाली है हमारी अपनी टाटा मोटर्स। नेक्स्ट ब्रांड है लेक्सस। टोयोटा लेक्सस को फर्स्ट टाइम ऑटो एक्सपो में लाएगा एंड फर्स्ट कार जो लेक्सस शो करेगी वो है लैंड क्रूजर बेस्ड LX500D। अब जब ये लैंड क्रूजर बेस्ड है तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत तो शायद नहीं ही होगी कि ये गाड़ी कैसी होगी। नेक्स्ट गाड़ी है न्यू जनरेशन RX। कंपनी ने इसको अपना न्यू चैप्टर डिज़ाइन दिया है एंड ये गाड़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूव की गई है। अब इसको 14 इंच का एक टच स्क्रीन दिया गया है एंड ये कूपे लाइक डिज़ाइन में आएगी। बाकी डिटेल्स एक्सपो में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कार है लेक्सस की स्पोर्ट्स कार LC500H। कंपनी इसका भी अपडेटेड वर्जन एक्सपो में शोकेस करेगी। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में अपडेट मिलेगा। ये गाड़ी 3.5 लीटर V6 हाइब्रिड इंजन के साथ 359 हॉर्स पावर जनरेट करती है। लास्ट में हमारे पास है चाइनीज इलेक्ट्रिक कार मेकर BYD। BYD अपनी न्यू EV सील को शोकेस कर सकती है। वैसे इस गाड़ी को देख के आपको टेस्ला की कॉपीड वर्जन लगेगा एंड ये इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ला की ही मॉडल 3 को टक्कर देती है। अब देखते हैं इंडिया में ये क्या कमाल करके दिखाती है। तो ये थे कुछ ब्रांड्स एंड उनकी सम ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड कार्स जो कि इस बार के ऑटो एक्सपो में शो होंगी। इनमें से कौन सी कार आपको सबसे अच्छी लगी और क्या लगता है आपको कि इस बार के ऑटो एक्सपो के लिए सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड कौन सा ब्रांड है? बाकी वेट करते हैं उस एक वीक का जब सब कुछ हमारे सामने आ ही जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अपने सभी कार लवर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए एंड मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि क्या आप ऑटो एक्सपो में जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।